आराम से बात करेगा। उन्होंने एक ही चीज बस हमको बोली थी कि सब कुछ ठीक होगा क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ। और आसिम परिवार है, उनका इतना विश्वास था कि उन्होंने एक साल इंतजार किया और पूरा डटे रहे, और जब उनका इतना विश्वास था तो उस विश्वास में इतनी ताकत आ गई और ये सब चीज़ें जो भी संकट का समय था वो निकला और अब सब चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो रही है। और अच्छे साथी सिस्टम के जैसे मिले आज, इतनी बड़ी सेना कह सकते हैं, इतना बड़ा परिवार कह सकते हैं देश के कोने कोने में, और उसमें इतने जो संस्कार बने हैं ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। इतना बड़ा व्यापार उद्योग धंधा होने के बावजूद, इतनी बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी उनमें तनिक भर भी अहंकार या पैसा होने का घमंड दिखाई नहीं देता है। ये उनकी सादगी और उनकी मानता को दर्शाता है। मुझे मेरे फादर इन लॉ की एक क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है कि वो आज इतना बड़ा बिजनेस करने के बावजूद भी वो इतने डाउन टू अर्थ है कि किसी को भी विश्वास नहीं होता जब मैं उन्हें उनकी बातें उनके किस्से सुनाती हूँ। एक छोटी सी बात ले लीजिए, अब हम जब भी खाना खाते हैं हम डाइनिंग टेबल में बैठ के खाते हैं, पर वो आज भी प्रेफर करते हैं कि हम जमीन पे उनके साथ बैठ के उनके साथ भोजन करें। आंदोलन है उनके जीवन में, उन्होंने बहुत संघर्ष तो किया ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात उनमें है सादगी और सच्चाई। आसिम की शुरुआत से ही मैं काम कर रहा हूँ, और जब आसिम जी से शुरुआत हुई थी तो पीसी चावला जी की एक सोच थी कि दुनिया में जो कंपनियाँ आती हैं मल्टीलेवल मार्केटिंग में, वो बड़ी बड़ी और महंगे महंगे प्रोडक्ट लेकर आती है। तो पीसी चावला जी की सोच थी कि मैं एक ऐसी कंपनी की स्थापना करूँ जो इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जो इंडियन रेट में हो, इंडियन कल्चर में हो, इंडियन मेंटालिटी को सूट करते हो, और आम आदमी उस बिजनेस को कर सके, आम आदमी अपने जीवन को बदल सके। 2016 में इसकी गाइडलाइन जारी की गई भारत सरकार द्वारा, उसके बाद से इसमें काफ़ी सस्ता आ चुकी है। तो उसके बाद हमने पूरे सिस्टम सेट किए, हमने पूरे टेक्नीशियंस सेट किए, हमने लेबोरेटरी सेट की, और इतना बड़ा सेटअप हो चुका है कि आज हमारे आसिम की प्रोडक्ट रेंज में करीब 400 प्रोडक्ट शामिल हो चुके हैं, और आगे ये श्रृंखला चालू है। आसिम क्यों अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ स्थापित करता है या अपना सेटअप क्यों बनाता है, इसके पीछे जो मुख्य कारण है कि आसिम ने अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में चार कमिटमेंट कर रखे हैं कि ये चारों चीज़ें हमेशा रहेगी। पहली चीज़ प्रोडक्ट उपयोगी होंगे, दूसरा स्वास्थ्य के लिए अच्छे होंगे, क्वालिटी नंबर वन होगी, और रेट बहुत रीजनेबल होगी। आसिम हमेशा उसके लिए कमिटेड है, और इसीलिए इतनी सारी इकाइयाँ स्थापित की गई है और नए प्रोजेक्ट प्लानिंग में है। फर्स्ट ईयर था उसमें 21 करोड़ का टोटल टर्नओवर हुआ था, और हाईएस्ट टर्नओवर आसिम का वो 1750 करोड़ तक एक साल का हो चुका है। इसी बात ये कि हर साल 30% ग्रोथ हो रही है, इसलिए 5-6 सालों से मेंटेन ग्रोथ है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये रहेगी कि कोई भी कमी किसी भी तरह की हमारी तरफ से नहीं रहेगी। इस शाम को एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना है, और जब लाखों लोगों के जीवन में अगर हमारे इस छोटे से प्रयास में अगर थोड़ा भी हम कुछ योगदान कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरा बोध जो है वो ये है कि आज अगर इस आसिम को हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कुछ ऐसा करेंगे कि पूरे विश्व में इसका बहुत बड़ा नाम हो। तो आइए सदी के महापुरुष, आर्थिक आजादी के जनक, लाखों लोगों के